राजकीय अमृतकौर अस्पताल में गायनिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति चौधरी ने सीमित संसाधनों में एक महिला की गर्भाशय के सब यूकस फाइब्रॉइड का हिस्टेरोस्कोपी द्वारा सफल ऑपरेशन कर महिला की मां बनने की संभावना को कायम रखा। ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति सामान्य है और शादी के 13 साल बाद उसकी मां बनने की आस बंधी है। जानकारी के अनुसार समीपवर्ती ग्राम चितार हाल रावत भाटा निवासी 33 वर्षीय मधु देवी की शादी को 13 साल हो गए, लेकिन मधु गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। मधु का पति रावत भाटा में नौकरी करता है, इस कारण उन्होंने वहां के अस्पतालों में जांच करवाई। कई स्थानों पर उपचार लेने के बाद भी मधु देवी गर्भ धारण नहीं कर सकी। गत दिनों वह ब्यावर के समीप स्थित नया गाँव स्थित अपने पीहर आई हुई थी। यहाँ उसके पीहर वालों ने उसे अमृतकौर अस्पताल की गायनिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति चौधरी को दिखाया। जांच में सामने आया मधु के गर्भाशय में एक गांठ है जिसने बच्चेदानी को घेर रखा था, जिस कारण वह गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे मामलों में अक्सर बच्चेदानी को ही निकाल दिया जाता है, लेकिन मधु के कोई संतान नहीं थी। ऐसे में एक ही रास्ता था कि बिना गर्भाशय को निकाले गांठ को बाहर निकाला जाए। मरीज और परिजनों ने डॉक्टर से विनती की कि कैसे भी ऐसा कुछ करे जिससे कि वह गर्भ धारण की उम्मीद बनी रहे। अमृतकौर अस्पताल में ऐसे मामलों को अक्सर रेफर कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी है। इस तरह के ऑपरेशन में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूटेराइन होल्डर फॉर्सेप्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर संजना और रेजिडेंट डॉक्टर अमित ने लगातार मरीज की धड़कन और सांस पर नजर बनाए रखी तथा नर्सिंग स्टाफ भगवती चीनू और मनोज ने पूरे ऑपरेशन के दौरान हाथ से गर्भाशय को खोल कर रखा जिससे ऑपरेशन हो सके। इस कारण ही गर्भाशय को सुरक्षित रखते हुए गांठ को निकालने में सफलता हासिल की, जिससे अब मरीज के गर्भधारण की उम्मीद बनी हुई है। गौरतलब है कि गायनिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति चौधरी की माता सावित्री देवी का 31 मार्च को आकस्मिक निधन हो गया। अपनी मां के बेहद करीब रही डॉक्टर श्रुति इस हादसे से मानसिक रूप से टूट चुकी थी और मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे रेफर करना ही विकल्प था, लेकिन मरीज के भरोसे को देखते हुए उन्हें अपनी माँ की दी हुई सीख कि कभी भी किसी के चेहरे पर खुशी ला सको तो वे मौका मत छोड़ना को याद कर डॉक्टर श्रुति चौधरी ने 2 दिन पहले कैश में यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक करते हुए अपनी माता को श्रद्धांजलि दी। वही ऑपरेशन के बाद मरीज और उनके परिजनों ने भी अमृतकौर अस्पताल की टीम का आभार जताते हुए कहा कि मातृत्व दिवस पर उन्हें मां बनने की उम्मीद का ना भूलने वाला तोहफा दिया है। और इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि पिछले 13-14 साल इसकी शादी हो गए और ये कंसीव नहीं कर पा रही है, और दूसरा मेंसेस जो है उसके जो है वो भी इरेगुलर है। जब मैंने उसकी उसकी उम्र 33 वर्ष थी, जब मैंने उसकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो है जो सारी जांचें करवाई तो वो सारी नॉर्मल पाई गई। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है ये देखने के लिए जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि सोनोग्राफी में महिला के गर्भाशय में एक बड़ी गांठ है 7 से 8 सेंटीमीटर की, और वो गांठ भी इस तरह से थी कि पूरी जैसे एक होता है कि बाहर बाहर की तरफ ना होके अंदर होके पूरी जो गर्भाशय की जो कैविटी है वहाँ तक वो गांठ फैली हुई है, और उसने पूरा गर्भाशय को एकदम उसकी वजह से सिकुड़ रखा था जिससे बच्चा लगने का स्पेस नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद में जब मैंने उसका इलाज शुरू किया तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर्जरी में। सर्जरी में क्या वो मरीज जो है वो ही चाहता था कि उनकी बच्चेदानी सुरक्षित रहे। हालांकि एक बड़े डॉक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है एक छोटे सेंटर पे जहाँ सीमित संसाधनों के साथ बच्चे एक यंग महिला की जो गर्भ धारण करने की जो उम्र होती है उसमें रिप्रोडक्टिव एज जिसको हम बोलते हैं उस एज में गर्भाशय को सुरक्षित रखते हुए सिर्फ गांठ को निकालना एक बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई, पर मरीज के मैंने उनको ये भी समझाया कि हो सकता है कि अधिक कॉम्प्लिकेशन होने पे गांठ के साथ साथ बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है, लेकिन मरीज के परिजनों को मुझ पर विश्वास था। उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, आप ऑपरेशन लीजिए, हमें पता है आप सिर्फ गांठ ही निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। उन लोगों ने मुझे एक आत्मविश्वास पैदा किया, और इससे पहले भी 2 बार मैं इस तरह की सर्जरी कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार गांठ बड़ी थी और अंदर यूट्रस की कैविटी तक थी। तो मैंने उसको उसके परिजनों के विश्वास पे फिर मैंने उसको अंदर ओटी में लिया। 1 घंटे लगभग ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के दौरान 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ी, और सीमित संसाधनों के साथ बड़ी ही सावधानीपूर्वक सक्सेसफुल मैंने इस गांठ को पूरा जहाँ से था उसको रिमूव करके बच्चेदानी को यूं का यूं उसी शेप में वापस स्टिच करके और वापस जो है हमने सफलतापूर्वक ये सर्जरी को अंजाम दिया। अब इस सर्जरी में बड़ी बात यह है कि एक तो महिला का यूटस सुरक्षित रहा जिससे उसके गर्भधारण की संभावना बढ़ गई, और उसकी जो मासिक धर्म है वो भी रेगुलर होने की संभावना बढ़ गई। दूसरा, इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगी ओटी स्टाफ को और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर संजना मैडम को जिन्होंने जो है इसमें मेरा साथ दिया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। और क्योंकि मैं खुद 1 महीने बाद छुट्टी से आई थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी,